नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले में एक व्यक्ति दूसरे की मोबाइल लेकर उसके बैंक की अहम जानकारियों को ले लिया और फिर क्या था, देखते ही देखते 3 दिनों के अंदर पूरा अकाउंट खाली कर दिया। जब मामले की जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 4 लाख रुपए अपराधी के खाते में देख पुलिस ने उसके अकाउंट को सीज करा दिया। घटना आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सरोज अहमद को यह नहीं पता था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन दे देगा तो उसकी जमा पूंजी समाप्त हो जाएगी। सरोज ने अपना मोबाइल फोन क्षेत्र के अनवर जहीर को देखने के लिए दिया था, लेकिन अनवर जहीर ने मोबाइल फोन देखते ही देखते बैंक से संबंधित जानकारी को मोबाइल फोन से निकाल लिया। इसके बाद अनवर जहीर ने 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सरोज के बैंक खाते से कुल 4 लाख रुपए निकाल लिए। सरोज को इसकी जानकारी तब हुई जब वह बैंक गया, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साइबर क्राइम थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो जहीर का नाम सामने आया। पुलिस टीम ने अनवर जहीर निवासी हैदराबाद मुबारकपुर को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जहीर से पूछताछ की तो गलीमत यही रही कि 4 लाख रुपए उसने खर्च नहीं किए थे और पूरे 4 लाख रुपए अपराधी के खाते में देख पुलिस ने उसके अकाउंट को सीज करा दिया। ये जो जोनल स्तर पर साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया आजमगढ़ में, यहाँ एक मुकदमा लिखाया गया था सिराज अहमद द्वारा। उनके खाते से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किसी व्यक्ति ने 4 लाख रुपया ट्रांसफ़र करा लिया है, तो इसकी विवेचना की जा रही थी। तो विवेचना क्रम में पाया गया कि एक अनवर जहीर हैं, जिन्होंने किसी तरीके से इसका मोबाइल कुछ समय के लिए प्राप्त किया था, जिसमें उसके खाते की डिटेल थी, उसको इसने जहीर ने पूरा नोट कर लिया और बाद में इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए पहले अपने मित्र खाते में ट्रांसफ़र किया पैसा और फिर उस खाते से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये 4 लाख रुपया था, तो वहाँ पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ पैसा निकल गया था, बाकी पैसा पूरा फ्रीज करा दिया गया है और विवेचना क्रम में आरोपी को पकड़ लिया गया है। सर, वन टाइम पासवर्ड का क्या प्रक्रिया थी, उनके माध्यम से मिला था या फिर किसके माध्यम से? नहीं, इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग की थी, चूँकि उसने मोबाइल नंबर ले लिया था तो उसने पूरा मंगा लिया था और जब वो पैसा ट्रांसफर हुआ तब उनको जानकारी हुई। इसमें टोटल कितने आरोपी हैं? इसमें एक एक आदमी बनाकर थे, पूरे पैसे बरामद हो गए हैं। बैंक सीज कर किया इसने? नहीं, इसका भी फर्स्ट टाइम है, कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया अभी किसी बैंक से भी जुड़ी नहीं। अभी ऐसा कोई साक्ष्य पाया नहीं है, विवेचना चल रही है, अगर कुछ पाया था तो फिर उस पर कार्रवाई करनी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।